सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर हम जानेंगे कि किस तरीके से हम फनीमेड वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स जैसे अपनी वीडियो पर एआई इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, फनीमेड वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर हमें काफ़ी सारी एआई इफेक्ट्स का टेम्पलेट मिल जाता है जिन्हें हम अपनी वीडियो पर यूज़ कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो पर हम वही चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वीडियो पर एआई इफेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि देख सकते हो, मैं सीधा आ चुका हूँ फनीमेड वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हमें एडिट वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ से नॉर्मली एक वीडियो को इंपोर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो वीडियो सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको राइट साइड के कॉर्नर पर टिक मार्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ से आप अपनी वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ से पोर्ट्रेट चूज कर लेता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर हम एक इफेक्ट्स ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो इफेक्ट्स ऐड करने के लिए यहाँ पर लेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो राइट साइड की तरफ, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से हमें सिंपली वीडियो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, इमेज लेस वीडियो। और अगर आप भी इस इफेक्ट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से इस वाले इफेक्ट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे इस वाले इफेक्ट्स को अगर आप डाउनलोड नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं अच्छा लगने के लिए इसको ऐड कर रही हूँ। तो इफेक्ट्स हमारा सेट हो चुका है। अभी हमें ये जो ब्लैक एरिया दिखाई दे रहा है इसको गायब करना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ब्लेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली ब्लेंड के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से हमें सिंपली इसे कर देना है स्क्रीन, ठीक है। तो स्क्रीन हो जाने के बाद आपका इसका जो ओपासिटी थोड़ा कम कर लेना है, ओके। 65 मैंने किया हूँ, ठीक है। देन यहाँ से हमें सिंपली आ जाना है बैक, ओके। अभी हमें यहाँ पर एआई इफेक्ट्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली हमें एआई इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। आपका जो वीडियो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है ताकि आपकी वीडियो के अंदर जो एआई इफेक्ट्स वो अच्छी तरीके से ऐड हो सके, ओके। तो आप देख सकते हो हमारा प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर बहुत सारे इफेक्ट्स दिखाई दे रहा है जिनको आप अपनी वीडियो के सामने भी ऐड कर सकते हो, पीछे भी ऐड कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर मैं सीन के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आपको एक इफेक्ट्स अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। इफेक्ट्स किस तरीके से अप्लाई करना है, जो भी इफेक्ट्स अप्लाई करना है एंड जिस पार्ट के अंदर अप्लाई करना है, ये जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है उसको आप वहाँ पर लेके जाएंगे, ठीक है। देन इफेक्ट्स के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आप देख सकते हो हमारे मॉडल के सामने पीछे इफेक्ट्स ऐड हो चुका है। और इस वाले इफेक्ट्स को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके प्ले करके देखना है, ठीक है। अच्छा नहीं लगता तो अंडू के ऊपर क्लिक करके इसे अंडू कर लेंगे और यहाँ से आप दूसरा इफेक्ट्स ऐड करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे इस तरीके से, तो इसे अंडू कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर और भी इफेक्ट्स जिनको अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि वाली इफेक्ट्स, तो इसे भी अंडू कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं इस वाली इफेक्ट्स को भी ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारी एआई इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको बॉर्डर वाले इफेक्ट्स चाहिए तो आपको यहाँ पर बॉर्डर वाला इफेक्ट्स मिल जाएगा। आपको किसी और दूसरे टाइप के इफेक्ट्स चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली आप अपनी वीडियो पर एआई इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप सिंपली कर दीजिएगा सेव एआई इफेक्ट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अगेन थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, ओके। तो सभी इफेक्ट्स हमारे वीडियो पर अप्लाई हो चुका है। उसके बाद अगर आप इसे सेव करना चाहते हो तो इस कॉर्नर पे आप सिंपली इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से सेव टू प्राइवेट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर सेव टू गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है डायरेक्टली आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। थैंक यू सो मच आप सभी को आज की इस वीडियो को पूरा कम्प्लीट देखने के लिए।